अज मैं सारे पंजाबियों नूं कैप्टन सरकार दा असली चेहरा दिखाना चाहना। कैप्टन साहब नूं बनाया पंजाबियों ने मुख्यमंत्री, पर कैप्टन सरकार पंजाबियों के जाना ते खेलन लग गई। ए तो माड़ा घटिया फैसला कोई कर नहीं सकता। मैं हैरान हाँ कैप्टन, चार साल लुटते हो गए, हले इन्हां दे पेट नहीं भरे कि हुण लोकां दी जनता दी जाना ते गरीब दी जाना ते खेडन लग गए। कोविड दी बीमारी सारे दुनिया लड़ रही है, कोविड की बीमारी के खिलाफ उन्हें अपने अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकारां सारा कुछ दाते ला रही हैं, सारा पैसा ला रही हैं कि अपनी जनता को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ, अपना सारा कुछ ठीक जल्दी जल्दी कंट्रोल से लियाओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीमारी तो पैसा कमाने लग गए, लोगों की जाना परवाह नहीं पर पैसे सरकार पैसा बनाने लग गई ते अपने चहेतियां नू पैसा कमाउन दा साधन बनाता। मैं सारे पंजाबियों नू एक गल दसना चाहना, हैरान हो जाओगे तुसीं सुन के, जिहड़ा आपां रोज लाइना लग के कह रहे हैं कि सानू वैक्सीन दिता जाए, सानू वैक्सीन दिता जाए। अज भी मैं अखबार पढ़ रहा सी जिथे अखबारां च आया कि जिलियां च वैक्सीन है नहीं। मैं वैक्सीन है नहीं दी असली कहानी दसना चाहना सारयां नूं, क्यों वैक्सीन है नहीं। सारे पंजाबियों नूं दसना चाहना कि वैक्सीन हैगे है पर पंजाब सरकार लुट्टन ते लगी है। जिहड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीदी है, 400 रुपये दे एक डोज, एक इंजैक्शन, एक डोज, पर ला नहीं रही 400 रुपये दे, या लाना चाहिदा सी मुफ्त, जिवें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने कोलों वैक्सीन मुफ्त लवाई है लोगों दी, पर की कर की रही है पंजाब सरकार 400 रुपये दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल ना सौदा हो गया इन्हां सरकार दे मंत्रियों का। प्राइवेट हॉस्पिटल दे रही है 1000 रुपये ते, 1026 1060, मतलब 660 रुपये पंजाब सरकार कर रही है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन कढ़िया है कि सारा पैसा इस अकाउंट च जमा कराओ। हुण इक गल दसो, 400 का वैक्सीन पंजाब सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों नूं 1060 का मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल होर कितों लै नहीं सकते, तो प्राइवेट हॉस्पिटल अगे आई वैक्सीन कोई 1500 का ला रहा, कोई 1700 का ला रहा, कोई 2000 का ला रहा, तो हो की रहा सारे वैक्सीन जिहड़े गरीबां नूं जाने सी, पिंडां जाने सी, शहरां जाने सी, थोड़े को आने से सारे वैक्सीन सरकार ने डिवर्ट प्राइवेट हस्पताल कर दते। तुसी हैरान रह जाओगे, आ चीफ सैकटरी का ट्वीट है, चीफ सैकटरी का, पंजाब सरकार के चीफ सैकटरी ने आ ट्वीट नहीं किया पंजाब के चीफ सैकटरी ने कि असी थोड़ू मुफ्त ला के देवे, साढ़े सरकारी हस्पतालों जाओ तुसी, असी पिंड घर घर वैक्सीन लावे, नहीं। आ ट्वीट कर दी है चीफ सैकटरी पंजाब, ट्वीट कर दी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैक्स मोहाली एंड फोर्टिस हॉस्पिटल हैव बीन गिवन वैक्सीनेशन, मैक्स इज चार्जिंग 900 एंड कोविशील्ड एंड फोर्टिस चार्जिंग 1200 रुपया, प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ विद दीज हॉस्पिटल्स। पंजाब की चीफ मिनिस्टर कह रही है कि साढ़े को आने की लड़ नहीं, 400 जिते सू असी मुफ्त ला देंगे या कुछ, तुसी प्राइवेट हॉस्पिटलों को जाओ, इतने जाके तुसी लवाओ। आ प्राइवेट हॉस्पिटल कोई 1500 कोई 1700, मैं पता कराया कल एन के शर्मा जी ने जीरकपुर पता कराया,
एक हॉस्पिटल 1700 चार्ज कर रहा है, एक हॉस्पिटल 1900 कर रहा है। हुण बेचारे लोग अपनी जाना बचाने वास्ते लाइना च खड़े है, कह रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, चलो इंजेक्शन तो लवाओ। मोहाली जिले च एक दिन च 35,000 डोजेस बेचे, 35,000 डोजेस एक दिन च, एक जिले च। असी सारा रिकॉर्ड कटिया असी उन्होंने अफसरों, एक जिले प्राइवेट हॉस्पिटलों मोहाली डिस्ट्रिक्ट जितों का मुख इन्हें हेल्थ मिनिस्टर है बलबीर सिद्धू, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल दिते 35,000 डोज, तो अपने को है नहीं। 35,000 डोज का मतलब कि पंजाब सरकार ने 35,000 डोज मेरे लगता 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो प्राइवेट ने भी 1 करोड़ कमा लिया एक दिन च, नहीं जो है 35,000 डोज की गल कर रहे हैं, 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ कमा लिया। आ लुट एक परिवार को, अज जे किसी ने वैक्सीन लवाना है 9,000 रुपया एक डोज का लग रहा है एक परिवार को, 7 to 9,000 डिपेंड करता, किस कोई 16,000 दे 1600 का लेंदा, कोई 1500 का लेंदा, तो जे 2 डोज लगन गए 14 to 18,000 रुपये दे वैक्सीन लग रही है। आ मुख्यमंत्री कहन दे लायक है, आ कैबिनेट सरकार चलाउन दे लायक है, जिहड़ा लोगों दीआं जानां ते खिलवाड़ कर रहा है। अज 14,000 जानां चली गई कैप्टन साहब थोड़े करके, थोड़ी सरकार करके, थोड़े हस्पताल तुसी आज एक कोविड की बीमारी विच प्राइवेट हस्पतालां नाल पता नहीं की होया होना थोड़ा लैन देन, पर तुसी उन्हां नूं लुट्टन ते पूरी शाबाशी दित्ती, लुट्टो 5-5, 7-7 लाख एक कोविड का प्राइवेट हस्पताल च इलाज का खर्चा हो लग गया, तुसी नहीं रोकिया उन्हां नूं, 60,000-70,000 दे इंजैक्शन प्राइवेट ला रहे सी तुसी नहीं रोकिया, एम्बूलेंस 25,000-25,000, 30,000 पेशेंट नूं लिजाउण वास्ते लै रही सी तुसी नहीं रोकिया, फिर थोड़ी सरकार किस वास्ते है? मैं बड़े दुख नाल कहना चाहुंदा, मैनू शर्म आउंदी है कहिंदे कि अपनी सरकार, अपनी पंजाब दे मुख्यमंत्री ने आ कीता है। मैं देशवासियों दसना चाहुंदा, देखो आ है कांग्रेस नीति, तो इन्हां दे राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया 15-20 दिन पहले, मतलब 20 दिन महीने पहले ट्वीट किया कि साड़ियाँ कांग्रेस की सरकार मुफ्त, मोदी साहब नूं कहिंदे राहुल गांधी फ्री लाने चाहिए कोविड दे, सेंटर सरकार नूं मोदी साहब, मोदी प्रधानमंत्री कहा फ्री लाने चाहिए। इत्थे आ राहुल गांधी, मैं पूछना चाहुंदा आ थोड़े मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो की जवाब मंगोगे तुसीं? मैं स्ट्रोंगली सख्त तो सख्त लफ्जा नाल इस सरकार नूं मैं निंदा करदा, तो मैं जल्दी ही असी जे लोड़ पई, जे इन्होंने वापस सारा आ मुफ्त ना किया या रेट इन्होंने सही ना किते, तो असी हाई कोर्ट भी जावांगे, असी जिथे जिथे जाना पाया, तो मैं तुहानूं कहिंदा परमात्मा मेहर पै सरकार बन जाए, तो सारयां दी इंक्वायरी की जाऊगी जिन्ना लुट्टिया इन्होंने। तो आ जिहड़ा बलबीर सिद्धू दी दा मतलब हर चीज़ च पैसे आई, बलबीर सिद्धू है नशे दी 5 करोड़ गोलियां नशे दियां, जिहड़े नशा छड़ाओ वास्ते केंद्र खोले सी, तो एक एंटी नशे दी ड्रग्स हुंदियां जिहदा नशा घटदा, 5 करोड़ गोलियां गायब कर दित्तियां। उसे महकमे दे सैकटरी ने क्या कि बलबीर सिद्धू दे कहन ते गायब होईयां, कोई एक्शन नहीं है, 5 करोड़ गोलियां उत्ते खा गए, पता नहीं किन्ने 100 करोड़ दियां, अज आ सारा खा गए अपना, हुण इंजैक्शनां ते पैसा कमाउण लग गए। मैं कहना ये तो माड़ी, मैं पंजाबियों नूं कहना चाहुंदा ये तो माड़ी सरकार नहीं, उन्हां नूं सवाल पुछना चाहिए, सारयां नूं पुछना चाहिए। जदों SGPC ने इन्हां नूं चिट्ठी लिखी कि सानूं दे दिओ असीं वैक्सीन तुहानूं मदद कर दिंदे, कहिंदे जी 1,000 रुपये भेजो, 1,060 रुपये भेजो, हालात है। कोई एदे ते सवाल करना चाहे इसमें लिखा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल को ये जाएगा, इस अकाउंट में पैसा जमा होएगा, ये इसकी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उन्ना तो ले सकता है 1,060 दे उते, तो तुसी इस अकाउंट में जमा करा दियो पैसा। देखो चीफ सेक्रेटरी ट्वीट कर रहा, थोड़ी हुई कॉपी ट्वीट भी थोड़ा दे देना है, आ भी थोड़ा दे देने चीफ सेक्रेटरी की ट्वीट, आ है ट्वीट,
चीफ सैकटरी की, तुम हैरान हो, चीफ सैकटरी पंजाब प्राइवेट कह रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर लवा के लियाओ, आ रेट है उन्होंने, ये तो माड़ी गल की है। वह मतलब की चीफ सैकटरी चीफ सैकटरी इन्हों हॉस्पिटल का मार्केटिंग इंचार्ज बन गए, मैं उ डेटा असं कड़ रहे हैं, 1,00,000 जी वैक्सीन आए थी 35,000 प्राइवेट में देती, 1,00,000 आई सी ते नाल दे नाल 35,000 उन्हें प्राइवेट में भेजती इन्होंने। यार प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना लिखा 18 to 44 आ, तो उन्हें ट्वीट किया कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो चीफ सैकटरी ने ऑफिशियली किया। ऑफिशियल लेटर भी है इन्हों की, ये सारे डॉक्यूमेंट तुसी मैं एक बहुत बड़ा फ्रॉड आ दूजा है, आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का सांझा खाता है, मुश्तरका खाता नहीं जमीन कि सारे जिधर इधर छाल मारो, इधर कितों मर्जी वाह लो, कितों मर्जी कर लो, मुश्तरका खाता है, तो सारे सहमत है, इतने कट्ठे ही कट्ठे चीज़ा वोंदे है। मैं थोड़े सामने हैरानी की गल, सुखपाल कह रहा बड़ी कांग्रेस की माड़ी पार्टी है, कांग्रेस छड़ के आम आदमी चला गया, फिर आम आदमी नू छड़ के वो कहिंदा मैं पंजाब एकता पार्टी, फिर MP लड़िया। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ दी धज्जियां जो इन्होंने लाई है कोई ला नहीं सकता, MP लड़ गया, उन्हों जे बंदा लड़ जाता एक बार बड़ी थोड़ा प्रूफ करने की लड़ ही नहीं, उसके बाद वापस कांग्रेस उवें ही मानसैया आया, कांग्रेस चले गया, आप चल गया, वापस कांग्रेस आया, कोई ना आप बोलिया तो ना कांग्रेस बोली, उसके बाद संदोहा वह भी कांग्रेस चले गया, फिर वापस आ गया, जिवें शाम गया, शाम अगले आया ना कोई प्रोटेस्ट कांग्रेस तरफों भी, संदोह तो स्पीकर आप सी नाल जॉइन कराने वास्ते आप सी, हुण मास्टर बरदेव सिंह भी लंबा सफर एकता पार्टी कर करके, आ जिन्हें कांग्रेस के आप वाले है सानू ए नहीं पता लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी है कि जॉइंट पार्टी है। देखो असी पहले भी क्या, असी आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दी इक्को ही कड़ी है, तुसी देखिया होना दिल्ली भी कट्ठी सरकार बनाई सी इन्होंने, आ भी ऑपोजिशन का ड्रामा पिछली बार किया आ साडे खिलाफ, हुण भी ना आम आदमी पार्टी का बयान सुन लो, और सुखबीर सिंह बादल ते श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ है कांग्रेस का भी बयान, कितने तुसी सुनिया आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ, हुण आ एडा वड्डा मुद्दा है आ वैक्सीन का मुद्दा है, मैं आम आदमी पार्टी बोलता रहा हूँ चुप क्यों, थोड़ा ही साथी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लुट रहा है, ये तो माड़ी गल की उसने चुप बैठे। हाँ जी मैं इन्ना ही कहना चाहना है, मैं ज़्यादा गल उन्हां ते नहीं कहना चाहना, कोई तो पता ही नहीं कल कितने कांग्रेस के बाद कितने होर भी जा सकता है उन्हें तो ट्रांसफर, पर अज के दिन मैं एक भी गल कहना चाहना, बड़ा दुखदाई अज का दिन है, गांधी परिवार ने कांग्रेस ने टैंकां तोपां नाल अपने दरबार साहब ते हमला किया, हज़ारां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं अग्नि भेंट किया, गोलियां मारियां, उस दिन चुनिया वो कांग्रेस ने दिन चुनिया जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा सी, जो आम संगतां उत्थे आईयां सी कि उन्होंने इंदिरा गांधी पता नहीं सी कि उत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिवस है, कि उन्होंने पता नहीं सी कि इत्थे हज़ारां संगतां की हैं, तुसी उदो बंद करके गोलियां चला के, आ कांग्रेस की सोच है एंटी पंजाब एंटी सिख एंटी मनोरिटी, तो इस करके मैं स्ट्रोंगली कंडेम करदा हां, ते मैं कहना चाहना कि आपां इन्ने 37 साल हो गए आपां नूं ना इन्हां ने इंसाफ दित्ता, 84 दे कतलेआम करा के कांग्रेस ने उन्हां नूं मंत्री बनाया, आई कांग्रेस दे सुनील जाखड़ जिहड़ा कांग्रेस दा
प्रधान है पंजाब का, ये बुजुर्ग बलराम जाखड़ ने बयान दिता उदों कि जे सानू 2000 सिख 2 करोड़ सिख भी मारने पे सानू कोई गल नहीं। आई सुखी रंधावे के पिता ने मुबारकबाद दिती इंदिरा गांधी ने कोई टैंका तोपना तुसीं दरबार साहब हमला किया। आ लोगों के असली चेहरे है ए जी पार्टी तो जिनी छेती अपन छुटकारा होए उन्ना ही अपना पंजाब सुरक्षित रह सकता। थैंक यू। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸ 100% ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਰ 5-5, 6-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। 3 ਜਾਂ 4 ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਐਂਡ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਆਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਆਏ ਵਧਾਓ ਕਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 400 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ FIR ਸੁਣੋ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ।